मोटिवेशन स्पीच सुनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और हम थोड़ी ही देर के लिए मोटिवेट होते हैं, फिर कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद हम फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आज के डेट में बुराई व असत्य बोलने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, पर लाइफ की सच्चाई और हमारी अच्छाई बताने वाले लोग बहुत ही कम। मोटिवेशनल वीडियो हमें कभी कभी सच्चाई दोनों बता देती है और थोड़े ही पल के लिए हमें सुकून देती है। हमें लाइफ से देखा जाए तो सुकून ही तो चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब ठीक रहे ताकि हम सुकून से अपनी लाइफ जी सकें। हम अपने आप को खो देते हैं और फैसले लेने में असक्षम हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिले, तो हमें अच्छा लगता है। बुक्स पढ़ते हैं अच्छे अच्छे ऑथर्स की, ताकि लाइफ की थोड़ी सी अच्छाई और सच्चाई हम भी जान सकें। क्योंकि हम अपने फैसले आसानी से ले सकें, अपने फैसले लेने में, और सबसे बड़ी बात, अब सही फैसले लेने में हम सक्षम हो सकें। और हमें ये पुस्तकें, ये विचार जो अच्छे होते हैं, जो नया चीज़ सिखाते हैं जिससे हमारा मन सुकून होता है, इन विचारों से हमें सुकून मिलता है और मन शांत हो जाता है। और खुद को जानने के बाद अपने फैसले ले सकते हैं, क्योंकि जब मन शांत होगा तो हम सही डायरेक्शन में अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वो इधर उधर सभी जगह भटकेगा। उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, तो उन सब चीज़ों को एक जगह केंद्रित करके जब हम किसी भी डिसीजन पर पहुँचते हैं तो हमारे व्यक्तित्व पर उन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। हाँ, वो कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है या फिर बहुत लंबे टाइम पर या फिर ज़िंदगी भर। बस शर्त ये है कि हम अंदर से पूरी तरह से मोटिवेट हों, अपने अंदर से हमें वो आवाज़ आए, हम उस जो विचार सुने हैं, पढ़े हैं, उस पर विचार करें, अपने विचार, अपनी सोच रखें कि इसमें हाँ कितना पॉसिबल है, इतना नहीं है, और सच में ये हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये मन में एक भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि हम भी कर सकते हैं।
चलिए आज हम महात्मा बुद्ध को जानने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, उनके पिताजी ने जो उनके आसपास माहौल बनाया था कि बुढ़ापा क्या है, सफ़ेद बाल, बीमार होना, मृत्यु, सब उन्होंने कभी नहीं देखा था। उनको लगता था कि यह सब चीज़ होते ही नहीं है, उन्हें तो यह सब कुछ पता ही नहीं था। उनके विचार उतने ही थे जितने उनके माहौल में दिखा रहा था। जितना उनके परिवेश, उनके माहौल, क्योंकि उनके पिता को दिखा रहे थे, उनको लगता था कि बस यही चीज़ है, यही लाइफ है। परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु नहीं होती। बुद्ध जब इस माहौल में गए तब पता चला कि ये सब भी हमारे आसपास होते हैं, ये भी जीवन का एक पहलू है, एक सच्चाई है। ये सब सच्चाई जानने के बाद मोटिवेट होकर वहीं नहीं रुके, वो आगे बढ़े। लाइफ की असल सच्चाई, जीवन का सही मतलब जानने व समझने के लिए, जीवन में नए व सच्चे विचारों की खोज के लिए। वे जब आगे बढ़े तो पीछे नहीं हुए, उनका माहौल उनको डिमोटिवेट नहीं कर पाया और सत्य की तलाश में लगे रहे और कठिनाइयों से नहीं डरे, क्योंकि उस विचार को वो अपना चुके थे, उनके मन में वो चीज आ चुकी थी, वो ठान चुके थे अपने मन से। सब चीज समझने और सोचने के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया था। इस प्रकार जब हम कोई विचार को सुनते हैं और हम उसे अपना लेते हैं तो कितनी भी कठिनाई आए, कितना भी विरोध हो, हम डटे रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सही हैं, हम सही रास्ते और हमेशा मोटिवेट रहते हैं। इसलिए अपने विचार में सही क्या है, गलत क्या है, ये जानना सबसे जरूरी है। और ये तो है, अगर लाइफ में हम सिचुएशन के हिसाब से मोटिवेट रहेंगे, जैसे हमारे जीवन में सब ठीक है तो हम दूसरों को विचार करते रहते हैं कि आप ये करो, पर जब हमारी लाइफ में आती है कोई प्रॉब्लम तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम उस चीज़ को ग्रहण नहीं करते हैं। वो चीज़ हमें अच्छा लगता है पर उसके बाद हमें अच्छा ही लगता है, कुछ दिन के बाद तो भूल ही जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको ग्रहण कर लेंगे तो हमें वो हमेशा याद रहेगा, हाँ हम सही हैं और हम आगे बढ़ेंगे। और वो कहते हैं ना, नतीजे की कोई परवाह नहीं मुझे, प्रयासों का अपना अलग ही मजा है। हाँ, और एक और बात, आप ठहर जाए तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो ज़िंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। जीवन में मिली असफलता भी जीवन का परम गुरु है, जिससे सीख लेकर सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। विचार जरूर कीजिएगा।
और सही लगे तो ग्रहण भी कीजिएगा। थैंक यू।